अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली रूटीन के साथ मैं जरी हूँ। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये सुबह ना मैं अरहम को छोड़ने गई थी स्कूल, और ये फूल जो है किन्जा लेके आई थी मेरे लिए। जैसा कि मेरे व्यूवर्स को पता है कि मेरी बेटी का नाम है, और वो माशाल्लाह से जब भी कहीं आया जाए ना, उसका अक्सर हफ्ते में एक आधी दफ़ा तो उसने ज़रूर मेरे लिए फूल लेके आने होते हैं। ख़रीदारी वगैरह करने जाए तो उसने ऐसे फूल उठाए हुए होते तो हैं। आज फिर आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर क्या करने जा रही हूँ, हमारे ना वीकेंड पे थी दावत घर में ना खाने पे। हमारे एक कपल है माशाल्लाह से, नई फैमिली उसके हस्बैंड को, तो वो जो जिन लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया हुआ है ना, तो वो लड़की नहीं आई है इधर हमारे एरिया में। शादी के बाद, जैसे आप लोगों को सबको पता ही है कितना लंबा प्रोसेस होता है शादी के बाद, वीज़ा मिलने में ना कितना टाइम लग जाता है, लैंग्वेजेस को लैंग्वेज का कोर्स करना होता है, उसके अलावा फिर भी 2.5-3 साल का पीरियड तो बड़े आराम से लग जाता है। अच्छा, मुझे याद है हमारे ज़माने में ये है कि हम लोगों की अप्रैल में शादी हुई थी, और अगस्त में हम लोगों ने पेपर्स अप्लाई किए थे, और नवंबर में मैं यहाँ थी। बहुत थोड़ा टाइम, यानी अगस्त में अप्लाई किया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 3 माह के अंदर मैं ना आ भी गई थी यहाँ जर्मनी में। तो अब तो बहुत लंबा, 2007 से है जहाँ तक, अगर गलती पे नहीं हूँ तो, इन्होंने लैंग्वेज का कोर्स मस्ट कर दिया हुआ है। और पिछले चंद सालों से, 5-7 साल से कह लें तकरीबन, ऐसे है कि अप्लाई करने के बाद ना, साल साल 1.5-1.5 साल के बाद तो वो अपॉइंटमेंट मिलती है, आप लोग पेपर्स जमा करवा सकते हैं, और फिर बाद में इंटरव्यू वगैरह या इंक्वायरी वगैरह की डेट जो और है, और ही साल साल के बाद आती है। यानी काफ़ी ड्यूरेशन लग जाती है, बड़ा ही लंबा प्रोसेस हो गया। तो और आज कुछ ऐसे है कि मैंने मेहमान भी बुलाए हुए हैं खाने पे शाम को, और आज दोपहर में मैंने ना अरहम के साथ जाना है, उसकी पेरेंट मीटिंग भी है। तकरीबन कह लें कि 1:30-2 बजे मेरा उसके साथ अपॉइंटमेंट है, उसको मैंने स्कूल से ही लेना है, और उधर ही हमारी उसी स्कूल में ही उसकी अपॉइंटमेंट भी है। लेकिन ये है कि मैंने जाना है टाइम पे। उसने मुझे बार बार सुबह याद करवाया था कि मामा जी आपने टाइम पे आ जाना है, ये ना हो कि आप देर कर दें। और वैसे भी मुझे पता है, खुद भी मुझे पता है कि पेरेंट्स के मीटिंग वगैरह पे यही कि 15 मिनट का टाइम होता है और वक्त पे पहुंचना होता है। तो मैंने ना फोर राइटिंग फिर सुबह नाश्ते के फौरन बाद ही शुरू कर दी थी। इस टाइम मैंने चिकन को मसाला लगाया, इनको मैंने ना ओवन में बेक करना है, साथ में सब्जियां वगैरह होंगी। योगर्ट का मसाला मैंने लगा के तो इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अच्छा, कुकिंग में मैंने आज ये डिसाइड किया कि मैं आज कोफ्ते बनाऊंगी, हांडी जो है सालन, अंडे कोफ्ते बनाऊंगी, और साथ में पालक गोश्त बनेगा। तो मैं वैसे ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, 2 या 3 खा ज़रूर बनाती होती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं वो वेजिटेरियन टाइप, दाल वगैरह अगर किसी ने खानी हो, अगर कुछ हैं कि वो चिकन नहीं खाते, कुछ चिकन खाते हैं, दूसरा जो है लम वगैरह नहीं खाते हैं, तो इस तरह से ना वैरायटी होनी चाहिए खाने में। अच्छा, मैंने फोर वैरायटी करके ये कोफ्तों का मसाला वगैरह रेडी करके और गोश्त भून के, तो तकरीबन कह लें कि मेरे आधे से ज़्यादा काम ख़त्म था। तो इस टाइम मैंने ना वैसे जा रही हूँ मैं अरहम के स्कूल। अच्छा, इधर ना मौसम माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हो गया हुआ है, जैसी ठंड हम लोगों को आदत है जर्मनी में, जैसी ठंड पड़ती होती है ना, इस साल तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो ये है अरहम का स्कूल। माशाल्लाह से मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे इसी स्कूल में गए हैं, किंजा सैफ, समी और अरहम। असद का स्कूल जो है वो साथ ही है, वो रियाल स्कूल में गया है। तो इधर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं टीचर का, स्टाफ रूम के बाहर ही इधर इन्होंने लॉबी, ये जो कॉरिडोर से आए थे, सोफे वगैरह लगे हुए हैं। और ये एक पिक है, बड़ी पुरानी है, और मैं जब भी आती हूँ इसे ज़रूर गौर से देखना होता है। पूरे स्कूल के ये बच्चे हैं, और जिस ज़माने की ये पिक है ना, जब ये बनी थी तब सैफ भी था इसके, इस वाली पिक्चर में सैफ भी है, किंजा भी है और समी भी है। तो मैं जब भी आऊँ तो कभी कभार, जब जब कभी भी आना हो तो इधर खड़े होकर मैंने ज़रूर देखना होता है, ढूंढना होता है समी कहाँ खड़ा है, किंजा कहाँ खड़ी है। तो माशाल्लाह से इतने सारे बच्चों में ये मेरा हाल है, होंगे कोई 700-800 तो बच्चे होंगे ही। तो पूरा जितना भी स्कूल का जितने भी बच्चे हैं ना, ये सारे के सारे हैं इस पिक पे, इवन स्टाफ भी सारा ड्रॉप है। तो बड़ा मज़ा आता है मुझे इसे देखने में। तो इस दफ़ा ना मैंने थोड़ी सी अपनी रिकॉर्डिंग में भी कर ली है, ताकि मैं आराम सुकून से घर में जाके भी देखूंगी इसको ना, मैं बड़ा बड़ा करके जूम कर करके मैं देखती हूँ, अपने बच्चों को ढूंढती हूँ इसमें से। अच्छा जी, माशाल्लाह से स्कूल काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे ना कमरे ढूंढना भी एक काम होता है, तो इसलिए ज़्यादातर वैसे जो है पेरेंट्स के साथ बच्चे भी साथ ही जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में। तो ये इनका कुंस्ट कॉरिडोर है, कुंस्ट रॉम है ये साथ ही, और इधर मुझे दिखा रहा है उसकी अपनी जो इसमें जो बनाई हुई ना, ये सबसे ऊपर वाली में ये अरहम जो पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये इसने बनाई हुई है। तो यहाँ से गुजरते हुए मैंने एक बड़ी पुरानी पिक देखी है, किंदा के हाथ की बनी हुई, अभी भी लगी हुई है ना इसी कॉरिडोर में लगी हुई है। असल अरहम की मैंने पेरेंट मीटिंग अटेंड कर ली है, टीचर ने ज़्यादातर, मेरा तो वैसे काम एज ए कह लें कि एल्टन थायल में साथ बैठी हुई थी ज़्यादातर, तो ये इधर के टीचर्स जो है ना ज़्यादातर बच्चों से ही करते हैं कॉन्टेक्ट, और बच्चों को ही मोटिवेट करते हैं या बताते हैं कि यहाँ यहाँ आपका थोड़ा बेहतरी की ज़रूरत है, और यहाँ आप बिल्कुल ठीक
को ये इस वाले सब्जेक्ट में तुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या जो भी है ना, ये नहीं है कि मैं खुद भी पाकिस्तान में टीचर रही हूँ, लेकिन ये है कि इधर रट्टा लगाने पे कोई नहीं जोर दिया जाता। बच्चे को वैसे ही कॉल कर रही थी इसकी टीचर और इसके साथ उसने ना इसका ना लातिन में थोड़ा सा अरम को इशू चल रहा है, तो वो उसने बताया है, बल्कि इवन ये भी कहा है कि तू हर संडे मुझे 4-5 जो लाइनें हैं ना उसकी तर्जमा करके ना डॉयच में भेजा कर मुझे, और मैं करेक्ट करके तुझे करेक्शन वगैरह अगर कोई गलती भी होगी तो मैं तुझे बता दिया करूँगी। तो इस तरह से ना बच्चे को सही मोटिवेट कर रही थी, मैं आराम से सुन रही थी इन दोनों की बातें। अच्छा, स्कूल से फारग होकर ना मैंने चूंकि आज पालक गोश्त बनाना था तो पालक नहीं थी घर में, फिर वो मैं अल्ली पे चली गई थी, पालक वगैरह ली है। घर आके मैंने जो काम रह गए हुए थे जाने से पहले जो मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म किए थे, बाकी आके जो प्रिपरेशन रहती थी मेरी वो कम्प्लीट की है। ये मेरे गदीन है जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जो मैंने ला के पलीजे वगैरह लगाए हैं ना, तो ये अभी आप लोगों को सही व्यू इसका नजर आया होगा, बड़ा अच्छा कलर लगा है ये। अच्छा, मैं हमेशा डरती थी कि ग्रे सा जो कलर है ना वो डार्क डार्क सा हो जाएगा, लेकिन वो देखने में डार्क लगता है, लेकिन जैसे लग जाता है ना तो वो फिर कोई नहीं डार्क रहता। मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने जाके टेबल वगैरह भी सेट कर दिए, बर्तन वगैरह लगा लिए। ज़्यादातर तो हम लोग बुफे लगाते हैं, लेकिन ये थोड़े से लोग थे, 2 पर्सन थे 3 थे सॉरी, इन्होंने आना था, तो फिर मैंने कहा नहीं। हमारी अपनी फैमिली भी माशाल्लाह से ऐसे था कि सम्मी जिम गया हुआ था, सैफ घर में नहीं है, किंजा भी घर में नहीं थी, तो कम अफराद थे, तो इसलिए फिर मैंने ना ऐसे टेबलों पे खाना लगा दिया था। चावल में मैंने चना पुलाव बनाया था, सैलड बना था, दही भले थे, चाट थे, सैलड था, और इसके अलावा पालक गोश्त और कोफ्ते का सालन था, और मैंने चिकन दोनों चिकन विंग्स भी ग्रिल किए थे, और जो शेंकल है वो भी, यानी जो टिक्का पीस है ना वो भी मैंने ग्रिल किए हुए थे। तो बड़ा मज़ा आया हम लोगों को, खैर बड़े अरसे के बाद, काफ़ी दिनों के बाद, जैसे जब से हम पाकिस्तान से आए हैं ना, इस तरह से अहतमाम से कह लें कि खाना बना था, और मेहमान जब खाने में शामिल हो जाए तो और ही माशाल्लाह से बरकत भी हो जाती है, घर में रौनक भी हो जाती है, चहल पहल हो जाती है, तो बड़ा मुझे वैसे मज़ा आया, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। This is my song.